हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो अपना सर्वेक्षण का प्रोसेस है नेट, जो टू डेज बैक जो एग्जाम हुआ नेट का जून 2018 का। सो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन जो बुकलेट कोड बेसिकली मैं बोलूँ जिसका सर्वेक्षण हम कर रहे हैं, बुकलेट कोड बी है। और आज जो करेंगे क्वेश्चन वो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 81। सो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर बात करें डिस्कशन की, सो वीडियोस के थ्रू UFD, PID, आप बोले फिर जो है यूक्लिडियन डोमेन, इन सब पे जो है बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन किए। मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। सो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आपने किया होगा। और इस क्वेश्चन को मैं इसलिए स्पेशली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पोर्शन पे मुझे लगता है कि ये टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में जाके डिस्कस किए थे। और आई होप आप सबने जो है इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली मैं बोलूँ, मैं बार बार जब वीडियोज आपको अपलोड कर रहा था या फिर ऐसे भी मोटिवेशनल टॉक्स के थ्रू जो मैं आपसे कम्युनिकेट किया था कि नेट एग्जाम बेसिकली एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको रिजल्ट्स को याद होने ही होने चाहिए, लेकिन उन रिजल्ट्स के अलावा अगर जो काउंटर एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल, सो काउंटर एग्जाम्पल भी आपको करने थे, आपको काउंटर एग्जाम्पल्स भी याद करने थे। तो ये जो क्वेश्चन बेसिकली है ये बिल्कुल, इसमें देखिए आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा कौन ऑप्शन गलत होगा, इसको करने के लिए आपको अगर काउंटर एग्जाम्पल्स अगर याद थे तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ईजीली हो सकता था, बहुत कम समय में हो सकता था फ्रेंड्स। सो चलिए पहले क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चन है बुकलेट कोड बी, ठीक है, बुकलेट कोड बी सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है। सो क्वेश्चन में पहले पढ़ता हूँ, इसमें स्ट्रेट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है या कौन से सही है, ठीक है ना। सो इसमें जो है जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं बेसिकली सबरिंग्स पे ये क्वेश्चन था। आप देखेंगे इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है ना, UFD है, PID है, यूक्लिडियन डोमेन है फ्रेंड्स। सो ये चारों जो ऑप्शंस थे ना, ये दिया हुआ जो है कि अगर आप PID ले लीजिए, यूनिफैक्टराइजेशन UFD ले लीजिए, आप यूक्लिडियन डोमेन ले लीजिए, ठीक है, PID ले लीजिए, तो इनकी सबरिंग्स अगर मैं लेता हूँ तो क्या वो भी जो भी आप बात करें इंटीग्रल डोमेन, UFD, PID ये भी होंगे कि नहीं होंगे। तो जो ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन जो है, अ सबरिंग ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन। सो ये ऑप्शन जो है किसी इंटीग्रल डोमेन का अगर मैं सबरिंग लेता हूँ, सबरिंग तो भी क्या होगा इंटीग्रल डोमेन होगा। उसी तरीके से अ सबरिंग ऑफ UFD इज अगेन UFD, अ सबरिंग ऑफ PID इज PID, ठीक है ना। फिर क्या है, अ सबरिंग ऑफ यूक्लिडियन डोमेन इज एन यूक्लिडियन डोमेन। सो आपको यही देखना था इन चारों ऑप्शन में कि ये जो चारों में इंटीग्रल डोमेन, UFD, PID या यूक्लिडियन डोमेन ले रहा हूँ तो इनके अगर सबरिंग्स मैं लूंगा तो करस्पॉन्डिंग क्या वो होंगे, तो इसमें से कौन सही है ये आपको देखना था। सो सबरिंग सबसे पहले मैं बात बोलता हूँ, सो अगर मैं कोई रिंग लेता हूँ R++ में कोई रिंग लेता हूँ तो इसके सबरिंग का जो डिफिनेशन था आपको पता है, मेरे ख्याल से सबको पता है। S अगर इसका एक सबसेट लेता हूँ R का, इस रिंग R का, तो इसको मैं बोलूंगा S को कि R का ये सबरिंग है। अगर ये जो बाइनरी ऑपरेशंस है ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन R में, उसी के रिस्पेक्ट में ये S भी क्या कर दे, एक रिंग फॉर्म कर दे, ठीक है। सो इस S को मैं बोलूंगा सबरिंग है क्या R को, जहां पे S जो है नॉन इमिटी सबसेट है किसका, उस रिंग R का। सो फ्रेंड्स अब आते हैं वन बाय वन जो ऑप्शंस दिया हुआ है। सो इसको आप अगर काउंटर एग्जांपल अगर आपको याद है, इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग दिए, अगर काउंटर एग्जांपल के थ्रू करते आप तो मेरे ख्याल से हो जाता है ये। सो चलिए इसको अगर कर रहा हूँ मैं क्या करूँगा, रिजल्ट यहाँ पे कई बार एज सच इस तरह का डायरेक्ट आप कोई भी बुक पढ़े होंगे डायरेक्ट रिजल्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप बुक्स में जाए, डिटेल में जाए, एग्जाम्पल्स काउंटर एग्जाम्पल्स भी अगर आप ध्यान दें तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हो जाते हैं। सो चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं।
अ समरी ऑफ एन इक्वेशन, जहां से भी आप स्टार्ट करते हो ऊपर से भी स्टार्ट करिए नीचे से भी स्टार्ट करिए वो हो जाते हैं। सो पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इक्विलिब्रियम डोमेन से चलते हैं। तो अ समरी ऑफ एन इक्विलिब्रियम डोमेन इज एन इक्विलिब्रियम डोमेन, तो ये बोल के रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कोई भी इक्विलिब्रियम डोमेन मैं लेता हूं उसका कोई समरी लेता हूं तो वो भी क्या होती है इक्विलिब्रियम डोमेन होती है। सो फ्रेंड्स अगर इस पे ध्यान देना, सो इक्विलिब्रियम डोमेन की प्रॉपर्टी क्या थी, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी अगर r प्लस डॉट ठीक है ना कोई रिंग है अगर ये इक्विलिब्रियम डोमेन है तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिटी। सो इस जो इक्विलिब्रियम डोमेन अगर r है तो इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी दैट मींस क्या हुआ यूनिटी जरूर होता है। सो अगर आप अगर कॉन्सेप्चुअली समझे और अगर देखे हैं एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करें तो आप जानते हैं कि जो रिंग मैं ले रहा हूं z प्लस डॉट ठीक है ना z प्लस डॉट ये इक्विलिब्रियम डोमेन होता है बिल्कुल होता है ये इक्विलिब्रियम डोमेन होता है ठीक है। सो इस पे हम डिटेल में मैं वीडियोस भी अपलोड किया हूं इक्विलिब्रियम डोमेन होता है यहां पे जो है जो एल्गोरिथम मैपिंग वगैरह जो मैं डिफाइन किया था। सो एनीवेज ये इक्विलिब्रियम डोमेन होता है। अब अगर आते हैं इसके एक सबरिंग की बात करते हैं ठीक है। सो इसका सबरिंग जो भी आप लेते हैं ना वो nz टाइप का होता है। सो इसकी एक सबरिंग मैं कंसीडर कर रहा हूं क्या 2z प्लस डॉट सेम बाइनरी ऑपरेशन है सेम बाइनरी ऑपरेशन में ले रहा हूं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेट जो है 2z ले लिया तो ये 2z जो होगा इस z का क्या करता है होगा फ्रेंड्स सबरिंग फॉर्म करता है। क्या अब ये इक्विलिब्रियम डोमेन होगा फ्रेंड्स। सो मैं जानता हूं अगर ये इक्विलिब्रियम डोमेन होगा तो इसमें क्या होना चाहिए जो प्रॉपर्टी है यूनिटी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी आना चाहिए और 2z है क्या फ्रेंड्स अगर सेट आप देखें ये है क्या 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। सो इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी 1 नहीं है दैट मींस यूनिटी नहीं है और जो यूनिटी नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम डोमेन नहीं हुआ। क्यों क्योंकि इक्विलिब्रियम डोमेन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इक्विलिब्रियम डोमेन में यूनिटी एलिमेंट दैट मींस क्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी आता है। सो फ्रेंड्स यहां पे मैं देखा जो रिंग है रिंग ऑफ इंटीजर्स z प्लस डॉट ये इक्विलिब्रियम डोमेन होता है इसकी एक सबरिंग मैं लिया 2z प्लस डॉट जो कि इक्विलिब्रियम डोमेन नहीं है। यहां पे क्या दिया हुआ ऑप्शन में अ सबरिंग ऑफ एन इक्विलिब्रियम डोमेन इज एन इक्विलिब्रियम डोमेन। सो ये गलत हुआ क्यों क्योंकि इक्विलिब्रियम डोमेन का ये सबरिंग मिल रहा है जो कि इक्विलिब्रियम डोमेन नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन 4 फ्रेंड्स हो गया मेरा क्या हुआ गलत हुआ ठीक है। अब आते हैं जरा ऑप्शन 3 पे काउंटर एग्जांपल के थ्रू मैं कर रहा हूं। सो अब आते हैं एग्जांपल 3 की अगर बात ऑप्शन 3 बेसिकली एग्जांपल ऑप्शन 3 की अगर बात करते हैं सो आई होप ये मैं समझा पाया आपको। ऑप्शन 3 पे आते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है अ सबरिंग ऑफ पीआईडी इज पीआईडी ठीक है ना। सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात कर रहा है। सो रिजल्ट यहां पे आपको देखना है अगर इसके लिए काउंटर एग्जांपल तो आपको जाना था क्या पॉलीनोमियल रिंग पे। अब पॉलीनोमियल रिंग पे फ्रेंड्स जो रिजल्ट था मैं बता रहा हूं अगर ये r प्लस डॉट मैं रिंग लेता हूं ठीक है ना। सो तीन स्टेटमेंट क्लियरली हम लोग वीडियोस के थ्रू देखे थे तीन स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते हैं अगर ये r फील्ड हो जाए r इस फील्ड अगर ये फील्ड हो जाता है तो इसके ऊपर जो पॉलीनोमियल रिंग्स होती है ना r x वो क्या हो जाए इस पीआईडी और ये क्या हो जाएगी यही पॉलीनोमियल है इसके ऊपर r x हो जाएगा इस इक्विलिब्रियम डोमेन। ये तीन स्टेटमेंट साथ साथ होल्ड करते हैं मैं बताया था कि अगर ये इवन वाली तीनों के बीच में होता है तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है तो कोई रिंग दिया हुआ है अगर वो फील्ड है तो उसके ऊपर जो पॉलीनोमियल रिंग होगी वो पीआईडी होगी उसी के ऊपर जो पॉलीनोमियल रिंग होगी वो इक्विलिब्रियम डोमेन होगी। सो इनमें से कोई भी एक होगा तो बाकी दो अपने आप हो जाते हैं तीनों इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कोई एक होगा तो बाकी दो अपने आप हो जाते हैं। सो अब उस पे फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करते तो आपका ये ऑप्शन मेरे ख्याल से आप कर सकते थे। सो क्या लिखा हुआ है अब सबरिंग ऑफ अ पीआईडी इज पीआईडी। सो फ्रेंड्स मैं फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिया या फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ले लिया इसके ऊपर जो पॉलीनोमियल रिंग पर लाइए आर एक्स आर क्या फील्ड है रियल नंबर्स का। सो इस रिजल्ट के थ्रू ये क्या हो जाएगा इस पीआईडी क्यों क्योंकि रिंग्स और आर इसको मैंने क्या लिया फील्ड ऑफ रियल नंबर्स तो ये फील्ड हो गया। सो इसके ऊपर जो पॉलीनोमियल रिंग होगी
इस रिजल्ट के थ्रू पीआईडी हो गया। अब आते हैं इसके सबरिंग की बात करते हैं, और आपको पता है फ्रेंड्स क्या ZX, ठीक है, ZX रिंग होता है, और ये ZX क्या हो जाएगा मोर ओवर इस रिंग पॉलीनोमियल रिंग RX का क्या हो जाएगा सबरिंग, क्यों, क्योंकि इस RX का एक सबसेट हुआ ZX, और क्या होता है ये आपको पता है पॉलीनोमियल्स के एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन किए थे उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है रिंग फॉर्म करता है। सो दैट मींस क्या हो गया ये ZX जो है इस पॉलीनोमियल रिंग RX का क्या हो गया सबरिंग हो गया। बट फ्रेंड्स इसी स्टेटमेंट से अगर R फील्ड होगा तभी RX होगा क्या होगा PID, Z फील्ड है क्या, Z फील्ड नहीं है, और अगर Z फील्ड नहीं हुआ तो ये जो पॉलीनोमियल ZX है इज नॉट अ PID। मैं समझा पाया कि फ्रेंड्स ये PID नहीं होगा इस स्टेटमेंट से। सो सिंपल सा आपको पॉलीनोमियल रिंग से जाना था, इसको काउंटर एग्जांपल के थ्रू अगर सही है या गलत है चेक करने को, तो आप देखिए मैं फील्ड ऑफ रियल नंबर्स लिया उसके करेस्पॉन्डिंग पॉलीनोमियल रिंग जो कि इस स्टेटमेंट से PID हो गया, इस पॉलीनोमियल रिंग RX ठीक है ना का मैं एक सबरिंग लिया ZX, और ये ZX जो होगा PID नहीं होगा, क्यों, क्योंकि Z जो है ना रिंग ऑफ इंटीजर्स ये फील्ड नहीं है। सो दैट मींस क्या हुआ एक ऐसा रिंग मिला जो कि PID है, जिसका एक सबरिंग मिला जो कि PID नहीं है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर एक सबरिंग जो होगा ना PID का वो क्या होगा PID हो गया, तो ए भी क्या हो गया फ्रेंड्स गलत हो गया। सो ऑप्शन 3 और 4 क्या हो गया फ्रेंड्स गलत हो गया। अब आते हैं आई होप मैं ये एक्सप्लेन कर पाया, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन करें। अब मैं आता हूं जो सेकेंड ऑप्शन है, अ सबरिंग ऑफ अ यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन इज यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन। सो फ्रेंड्स EFD की अगर मैं बात करता हूं, सो EFD की भी एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी EFD की क्या है, अगर मैं कोई EFD लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोई EFD लेता हूं ठीक है ना, सो इसमें कोई भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट लेंगे, कोई भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट लेंगे ना वो क्या हो जाता है प्राइम एलिमेंट, कोई भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट लेते हैं वो प्राइम एलिमेंट कहलाता है। सो एक और रिजल्ट है, मैं चार्ट बना के आपको बताया था कि हर एक पीआईडी क्या होता है ईएफटी होता है ठीक है, हर एक पीआईडी क्या होता है ईएफटी होता है, और हर एक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है आपका फ्रेंड्स वो पीआईडी होता है। सो यहां पे जो एग्जांपल आपको लेना था, यहां पे जो एग्जांपल लेना था फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ध्यान दीजिएगा, सी जो है फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ठीक है, ये भी एक रिंग है और ये अगर फील्ड हो गया ठीक है ना, तो ये रेडियल डोमेन हो जाएगा, और ये रेडियल डोमेन हो गया मतलब PID हो गया, और अगर PID हो गया तो ये क्या हो जाएगा EFD हो जाएगा। सो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया EFD हो गया। अब मुझे अगर इसको याद है, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपको अगर पता है इसके सबरिंग्स के बारे में, सो फ्रेंड्स इसका एक सबरिंग मैं लिख रहा हूं देखिएगा Z ठीक है ना I ठीक है ना, ये इसका एक सबरिंग होता है, और इसका यहाँ पे देखिए इसके एलिमेंट किस टाइप होंगे a प्लस i रूट 3 b सच दैट a और b क्या होंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। सो आप जानते हैं ये सबरिंग फॉर्म करता है इस रिंग R का ठीक है ना, यह फील्ड R का। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करवाया था, एक एग्जांपल मैंने लिया था इस रिंग का 1 प्लस लेकिन अगर ये UFD होता ना, जो ये irreducible है, तो हर एक irreducible element को क्या होना चाहिए था? Prime element होना चाहिए था। तो ये element irreducible है, आपका homework हो गया, अगर आप जो मैं करवाया था, अगर आपको याद नहीं आ रहा, या अगर आपको समझने में problem हो रहा, इसको आप check करिएगा, ये irreducible होता है, जो कि prime नहीं है। So, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो value लिया है, ये क्या हो जाएगा? Not, ठीक है? ये UFD नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देखा, एक रिंग में लिया जो कि UFD है, उसकी सबरिंग ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सबरिंग जो कि UFD नहीं हुआ। तो यहाँ से भी देखेंगे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ
सबलिंग ऑफ यूएफडी इज यूएफडी, लेकिन यहां पे मैं क्या लिखा, ये यूएफडी है लेकिन उसकी सबलिंग नहीं है जो कि यूएफडी नहीं है। सो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। सो ये है मल्टीपल सेलेक्ट एंसर टाइप का, बट इसमें तीन ऑप्शंस गलत हो गए और ये आप देखेंगे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन अगर आप लेंगे ना, आप जो भी पढ़े हैं सबको वेरीफाई करिएगा, कोई भी इंटीग्रल डोमेन अगर आप लेते हैं और उसके कोई सबरिंग कंसीडर करते हैं तो अगेन जो होता है वो क्या होता है इंटीग्रल डोमेन। सो आई होप फ्रेंड्स मैं समझा पाया अपने तरीके से, मैं बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन था मैं आपको दिया, ठीक है। आई होप मैं ये एक्सप्लेन कर पाया। सो यहाँ पे जो है जो ये सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका मेरे जो ओपिनियन है इसमें क्या होगा, ऑप्शन क्यों एक ही ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन फर्स्ट और बाकी जो है ये तीनों ऑप्शन होंगे वो गलत है। ये तो बिल्कुल मैंने वेरीफाई कर दिया आपको, काउंटर एग्जाम्पल्स ले लेंगे सब मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। सो ये तीनों क्यों नहीं होंगे, मतलब ये तीनों गलत हो गए, ये सही है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो है जो ऑप्शन फर्स्ट है ना वो सही होगा फ्रेंड्स। सो जो सोल्यूशन प्रोसेस है इसको करते रहेंगे, इसी में अगर आप देखें बुकलेट कोड जो बी है इसका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही अगर देखें, सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 82 पॉलीनोमियल रिंग से जो मोनोपॉलीनोमियल उसके रूट से ये जो क्वेश्चंस है, 83 भी आपका जब आप देखेंगे फाइनाइट फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो मेरे ख्याल से आपका जो ये रिंग्स या फील्ड का जो कॉन्सेप्ट हुई ये जो भी क्वेश्चन थे आप ये कर सकते थे, ऑलरेडी हम लोग जो सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन थे ग्रुप थ्योरी से वो भी किए हम लोग। सो मेरे ख्याल से ये जो अलजेब्रा का जो क्वेश्चन था ये वाला इस जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी आप कर सकते थे, आई होप आपने किया भी होगा। सो लास्टली मैं ये बोलूंगा कि सोल्यूशन इसको मैंने किया, अगर आपका आंसर मैच करता है बेस्ट है, मैच नहीं करता तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि निराश नहीं होना है आपको, आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये एक तरह से आप समझिए वार है जो हम एग्जाम्स दे रहे हैं रेट की, बड़े लेवल के एग्जाम्स है। सो इसमें जो है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर आपने किया आपका हो जाता है ज्यादा हो जाता है बेस्ट है, नहीं होता है डिसअपॉइंट होके क्विट नहीं करना है आपको, डिसअपॉइंट होके आपको ये बोलते हैं कि थोड़ा सा जो आपका ट्रैक चल रहा था जिस तरह से प्रोसेस में थे आप कंटिन्यू कर रहे थे स्टडी, सो उसमें थोड़ा सा भी आपको रिकॉर्ड नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। अगर आपको लगता है अच्छा नहीं अभी आंसर की आने बाकी है, जैसा जब आंसर की आता है वहाँ से मैच करिए, मेन तो वही होगा, ठीक है। हम तो एक अपने तरीके से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन का जो हो सकता था हम देते हैं, बट फाइनल जो होगा जो आंसर किया आएगी मैच करिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा हुआ हो सकता है बेस्ट है, लेकिन अगर आपको कहीं से भी लगता है कि इस बार शायद ना हो पाए, सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना, क्योंकि ये एक तरह से समझिए ये वार है। इसमें हम स्ट्रेटेजीज बना के चले, अपना जो एक जो एफोर्ट दिया हमने इसको मतलब सक्सेसफुल होने के लिए पूरा एफोर्ट दिया हमने, कहीं ना कहीं अगर नहीं हो पाता है सो ये शो करता है, ये एक अलार्म है कि हमसे थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। सो इसको आपको दूर करना है, जो अपकमिंग जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, डिसअपॉइंट होके जो आपका एक ट्रैक था जो आपका एक प्रोसेस था उसको आप बिल्कुल आप अपने ट्रैक से जो इधर उधर ना हो, आप रिलैक्स करिए अपने आप को, अंदर एक नहीं हुआ अगली बार होगा, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए, ठीक है। और वही प्रोसेस मैंने आपको बोला था, फिर से लग जाना अगर नहीं होता है आपका, अगर ये आपकी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन अच्छे हो इसको फॉलो करना, फिर एक ट्रैक को लगते जाइए और आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। इस बार हो सकता है कि लास्ट टाइम अगर आपने दिया था इसके पहले और कुछ क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ नहीं कर पाए थे, उस पर एफोर्ट दिया आपने, इस बार उसको आप सही सही करिए। सो फ्रेंड्स ये एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, यहाँ पे निराश नहीं होना। बड़े लेवल के एग्जाम्स अगर हम दे रहे हैं तो समटाइम्स होता क्या है कि हम तो यहाँ पे बहुत आसान रहता है सर्वसर क्वेश्चन पेपर ले लिया खूब रिलैक्स होकर, एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ बड़ा आसान होता है, लेकिन करना नहीं हो पा रहा है बुक्स को, मैं देखा बुक्स को देखने के बाद उस समय हमारे पास पर्याप्त है, हम आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करते हैं फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बट एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो बोले जो एक्चुअल सिचुएशन है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके पास ये कुछ भी नहीं होता ना, आपके पास कुछ हेल्प लेने के लिए कुछ होता है ना, आपको मैं बोलूँ कि एक तरह से बड़ी समय इतना ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच के आप कर सके। सो
ठीक है, इस प्रोसेस में आपको ढलना तो है ही, इस प्रोसेस में तो आपको ढलना ही है, जो समय है स्टिपुलेटेड टाइमिंग है उसमें आपको करना है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई तो इसको आप आगे इंप्रूव करें। आपको यही करना है कि कुछ पोर्शन अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगर आप सोते उसको अगली बार के लिए इंस्टॉल करना है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ पोर्शन रह गए जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है उसको बनाना है। सो आई होप फ्रेंड्स मैं जो बताना चाहता था वो आपके पास पहुँच पाया, और ये जो क्वेश्चन था इसको जो मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया आपके समझ में आया। सो प्रोसेस जो ये है सोल्यूशन का ये करते रहेंगे। सो आई होप मैं जो बोलना चाहता था आपके पास पहुँच पाया। सो थैंक यू।